2021 में मिसेस इंडिया रह चुकी बिहार की बीजेपी नेता अब गैंगस्टर बनना चाहती हैं। नाम है श्वेता झा। श्वेता पटना से मेयर बनकर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन हार के बाद से उन्हें क्रिमिनल बनने का फितूर सवार है। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति चंदन कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि मेयर पद के चुनाव हारने के बाद श्वेता अपराधी बनना चाहती हैं। उन्होंने इसे अपना मकसद बना लिया है। चुनाव आने के बाद श्वेता ने उसे इस बात का जिक्र किया था, इसके लिए वह बार बार हथियार दिलाने का भी दबाव बना रही थी। आपको बता दें कि चंदन और श्वेता की शादी 15 साल पहले हुई थी, लेकिन बीते 15 दिनों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। श्वेता को आर्थिक अपराधी इकाई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जो कि श्वेता का पिस्टल के साथ रील्स वाले वीडियो के वायरल होने के बाद बुलाया गया। चंदन की माने तो ईओयू की पूछताछ के बाद से श्वेता घर नहीं आ रही है। वे अपने दोस्त अभिषेक के साथ घर पर रह रही है। दोस्त की लाइसेंसी पिस्टल और कारी जिप्सी के साथ रील्स बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। फिलहाल जो श्वेता की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसमें वह AK-47 के साथ नजर आई। इसमें कुछ फोटो ऐसे भी हैं जिसमें वह निशाना साधती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि ये तस्वीरें कब की और कहाँ की है। कहा जा रहा है कि सारी फोटो किसी सरकारी गेस्ट हाउस की है, लेकिन इस बात का भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं चंदन कुमार का कहना है कि उन्हें उनकी पत्नी श्वेता झा और उनके दोस्त अभिषेक यादव से जान का खतरा है। दोनों ने मिलकर उनके साथ कुछ दिनों पहले मारपीट भी की थी। अभिषेक ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस पूरे मामले में पटना के SSP और अगम कुआ थाने में लिखित शिकायत की है। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता श्वेता झा गुंडई पर उतारू नजर आ रहे हैं। लगता है श्वेता को कानून का कोई भी डर नहीं रहा।